नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके फोन में कॉल आने पे ऑटो रिसीव हो जा रही, मतलब कि अपने आप से कॉल उठ जा रही, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने दूसरे फोन से इस फोन पे अगर कॉल कर रहा हूँ तो देखिए ये कॉल ऑटो उठ जाती है। जैसे देखिए मैं अपने दूसरे फोन से इस फोन पे कॉल किया हूँ और बिना कहीं कॉल उठाए हुए ये ऑटो कॉल उठ जा रहा है। दोस्तों एक बार हम फिर से यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, तो ये कॉल आने के कुछ ही सेकंड के बाद खुद से कॉल उठ जा रहा है। तो दोस्तों इसे ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसे कट करते हैं और यहाँ पे आपको अपने फोन की डायलर पैड ओपन करना होगा। और डायलर पैड ओपन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोन में हो सकता है कि तीन लाइन दिखलाई दे। मेरा फ़ोन एमआई का, इसलिए ये तीन लाइन यहाँ पे बना हुआ है। तो आप इस तीन लाइन पे क्लिक कीजिएगा और तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। अब सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा है ऑटो एंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है डिले 3 सेकंड, मतलब कि ये 3 सेकंड के बाद खुद से कॉल उठ जाता है। दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम तब आती है जब आपके फ़ोन हेडफोन से या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो। तो आप इसे ऑफ करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद ये जो ऑन है ऑटो एंसर, आप इसे ऑफ कर दीजिएगा। दोस्तों अब यहाँ से ऑटो कॉल एंसर अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आप पे जो भी अब कॉल आएगा वो अपने आप नहीं उठेगा जब तक आप उसे रिसीव नहीं कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की, अगर आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पे लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।